गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि एक वैवाहिक परंपरा को प्रतिवर्ष वर्षगांठ के रूप में मनाने के ऊपर व्यंग्यात्मक लेख है। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाने वाला उत्सव। यहाँ पर यशोधर बाबू, जो परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, प्राचीन संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका ऑफिस के कर्मचारी व परिवार के लोग आधुनिकता का अनुकरण करने वाले, जो कि सिल्वर वेडिंग जैसी परंपराओं को मनाने में विश्वास रखते हैं। कृष्णानंद पांडे से मिली हुई सीख और परंपराओं का पालन करते हुए यशोधर बाबू ऑफिस से जाते समय माहौल को आनंददायक बनाने के लिए करने वाला हंसी मजाक, तब वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उनसे विवाह के बारे में पूछा जाता है, और अकस्मात जिस दिन पूछा जाता है उसी दिन उनकी सिल्वर वेडिंग होती है, तो ऑफिस के कर्मचारी उनसे चाय नाश्ते के पैसे मांगते हैं। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए पेज नंबर 3। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा कि आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, इंसिस्ट करना यानी अनुकरण करना, कस्टम यानी परंपराएं, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, क्योंकि वो इन परंपराओं को क्या मानते हैं, अंग्रेजों के या बड़े लोगों के चोचले मानकर चलते हैं। चड्डा ने 10 का नोट चपड़ासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिए कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, अर्थात वो खर्चे के लिए और पैसे मांगना चाहता है। रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले उनका दैनिक खर्च नगण्य है, मतलब वो स्वयं खर्च नहीं करते, परंतु उनका बटुआ हमेशा भरा रहता है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और वो जिस स्कूटर पर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो चपड़ासी लोग चलाते हैं, या साइकिल जो चला के आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लोग चपड़ासी लोग चलाते हैं, तो उनका लेवल गिरता है, उनको स्टैंडर्ड का नहीं माना जाता, इसलिए संतानें उनका विरोध करती है और वो पैदल आना जाना प्रारंभ कर देते हैं, और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को सम हाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होता है। क्यों? क्योंकि वो परंपरावादी थे, उनका सोचना सही था कि साइकिल से स्वास्थ्य सही रहता है, परंतु पुत्र और पुत्रियां उनसे स्कूटर लेने की जिद करते हैं, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी, इसरार आग्रह करने पर भी, वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। मातहत अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी, नीचे काम करने वाले कर्मचारी किशनदा की परंपरा में हैं, उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पा गप्पाष्टक हंसी मजाक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है, मतलब अब वो अपने आप को उम्र में अधिक समझने लगे हैं और वो धर्म ध्यान में लीन होना चाहते हैं। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है।
बब्बा आप कोई बुड्ढे थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। जबकि ध्यान रखना, धर्म करने की कभी कोई उम्र नहीं होती, या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वृद्धावस्था आने पर ही धर्म करें। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी, अर्थात जो सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है उसकी यही निशानी है कि वो फालतू की बातों को क्या करे, अनसुना कर दे। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज की तरफ जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे के पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों 1-6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है, क्योंकि वो परंपराओं को निभाए रखना चाहते हैं, वो उसी प्राचीनता को बनाए रखना चाहते हैं, वो आधुनिकता के पक्षधर नहीं है। परंतु क्या हो रहा है, यहाँ पर पुरानी इमारतों को गिराकर नई इमारतें बनाई जा रही है जो इनको बुरी लगती है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊँची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वो लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के डहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना नहायत जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने बदलाव हो रहे हैं वो वहीं पर मजबूती से रुक करके उस पूरे बदलाव को अपने सामने होते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर बने रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जी जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कह करके मुस्कुराया करते थे या मुस्कुराते थे। फिक्रा यानी वाक्य कथन। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। क्यों? क्योंकि वैचारिक मतभेद है, पीढ़ियों का अंतराल है, बदलते संस्कार हैं, बदलती परंपराएं हैं, जो दोनों आगामी पीढ़ी और पिछली पीढ़ी दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर रही है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, यानी एडवर्टाइजमेंट कंपनी। अब देखिए पीढ़ियों का अंतराल और सोच कितना बड़ा बदलाव लाती है कि उस पुत्र का विज्ञापन कंपनी में नौकरी मिलना भी उसे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी संतान की योग्यता पर भरोसा नहीं है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी को समझ में आती नहीं है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया, कि इनको लग रहा था कि IAS क्लियर नहीं कर पाएगा तो जो सर्विस मिल रही थी उसी में इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अर्थात दूल्हे
अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है, क्योंकि वो रिश्तों को निभाना चाहते हैं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। मतलब वो जानते हैं कि पीढ़ियों का अंतराल संस्कारों में, विचारों में व परंपराओं में गैप पैदा कर देता है, एक रिक्त स्थान पैदा कर देता है, इसलिए दोनों में मतभेद होना स्वाभाविक है। इस बात को सोच करके वो अपने आप को दिलासा देते रहते हैं। धन्यवाद।